इस समय हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ जी मौजूद हैं। क्या किस तरीके से तैयारियां विधानसभा चुनाव की और 75 पार का लक्ष्य है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी परिश्रम करने वाली पार्टी है और लगातार अपने कार्यकर्ताओं को उसी तरह से लगाए रखती है। मैं ये कहूँगा कि लोकसभा चुनाव होने के बाद सबसे पहले मुख्यमंत्री जी ने धन्यवादी दौरे शुरू किए। अभी शक्ति केंद्रों के कार्यकर्ताओं का ये सम्मेलन आज आपके सामने हो गया है। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आज नड्डा साहब के कार्यक्रम में उपस्थित था। तो लगातार परिश्रम, पसीना बहाना ये बीजेपी की आदत है और मैं कहूँगा कि सामने जो लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य को लेकर बिल्कुल परिश्रम कैसे करना चाहिए उसके लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जुटा हुआ है। बल्कि हमारे सामने जो प्रतिपक्ष है वो अंतर्कलह से फंसा हुआ है। वो ऐसी स्थिति में है कि जैसे एक टीम तो तैयार होकर आ गई हो मैदान में अपने ड्रेसअप ड्रेसअप होके और सामने वाली टीम ही नहीं आ रही हो। कप्तान कन्फ्यूज्ड हो, ये कह रहा है मैं कप्तान बनूंगा, वो कह रहा है मैं कप्तान बनूंगा, कोई कप्तान है उसको मान नहीं रहे, कोच है वो कह रहा है कि इस कप्तान की बात ठीक नहीं है, एक की परिवार में झगड़ा हुआ है। तो दिशाहीन हो गए हैं दोनों सामने जो लोग थे और भारतीय जनता पार्टी लगातार परिश्रम कर रही है। आज मुख्यमंत्री जी ने भी जिक्र किया कि आपको जिम्मेदारी दी जाएगी, जो घोषणा पत्र बनाया जाएगा इस चुनाव को लेकर, तो उसमें क्या खास रहने वाला है? देखिए, एक हमने घोषणा पत्र 2014 में लेकर आए लेकिन उस पर हम रुके नहीं, उससे आगे बढ़े। वो जो सोचा था वो तो किया है लेकिन पढ़ाई लिखी पंचायत हमारी उसमें नहीं थी, सरपंचों को 20 लाख रुपए देना उसमें नहीं था, स्वच्छता का इतना बड़ा मिशन उसमें नहीं था, बहुत ODF करना उसमें नहीं था, स्वच्छता में जो प्रथम पुरस्कार मिला वहाँ तक पहुँचने की तो सोची भी नहीं थी। यानी बहुत सारी चीज़ें हमने सोची थी लेकिन उससे भी आगे हम इस समय बढ़े। इस सरकार के समय में अब एक रोड मैप बन गया है, तो आगे की मुख्य मंजिलें क्या हों ये पूरे हरियाणा से मंथन करते हुए सब हर विधानसभा में हमारा एक रथ जाएगा जिसमें सुझाव लेंगे, ईमेल से भी लेंगे, व्हाट्सएप से भी लेंगे और ग्रुपों से बात कर रहे हैं। कल इसी काम के लिए मैं रेवाड़ी में किसानों से बात करने गया था, 3 दिन पहले फरीदाबाद में उद्योगपतियों से बात करने गया था, 1 तारीख को मैं पशुपालकों से बात करने हिसार लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय में जा रहा हूँ, 30 तारीख को किसानों से और हॉर्टिकल्चर के किसानों से बात करने के लिए मैं करनाल में मिल रहा हूँ। मेरी पूरी टीम 9 सदस्य मेरी कमेटी में, सब लोग इस काम में अलग अलग ग्रुपों से बात कर रहे हैं, समाज के हर वर्ग से बात करनी है और हर वर्किंग वर्ग से बात करनी है, चाहे कोई बुजुर्ग है, चाहे कोई युवा है, चाहे कोई महिला है, इसी प्रकार से चाहे कोई व्यापारी है, चाहे कोई उद्योगपति है, कोई शिक्षक है जो हेल्थ क्षेत्र में काम करता है, किसान है, श्रमिक है, सर्विस सेक्टर है, हर सेक्टर के व्यक्ति से बात करनी है। आपने कहा कि 75 पार ही नहीं होंगे, 75% जनता का दिल भी जीतेंगे, तो उसमें जो 25% बचता है उसको कैसे आप मानते छूट जाएगा? देखिए, मैं ये मान के चलता हूँ कि कोई ना कोई टारगेट जब लेकर चलते हैं तो टारगेट कहीं ना कहीं अचीव करने का एक विषय दिया जाता है। अभी भी पहली बार जब हम आए थे तो शायद 50% भी नहीं पहुँचे थे, विभाजन था वोटों का, अब हम उसको पार करके आगे निकल गए हैं। तो एक कदम और जब बनते हैं तो 100% के लिए काम करते हैं, लेकिन सने स्टेप बाय स्टेप बढ़ना, यही मंजिल का रास्ता होता है। जैसे किसान भी अपनी कटाई करता है ना तो अपने बच्चों कहता है एक आड़ी और काट ले, एक जोटा और मार ले, उसको पता तो है कि आखिर में पूरा खेत काटना है लेकिन वो उनको एकदम पूरा नहीं बताता कभी भी, वो कहता है कि इतना कर लो। तो उसी तरह से लक्ष्य दिए जाते हैं।